सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है अपना बसेरा है भला। उसके बाद हम लोग खेलेंगे एक खेल गोलमाल। फिर शब्द खेल में हम नए नए शब्दों को समझेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे 2 अंकों के जोड़ को। उसके बाद हल करेंगे कुछ जोड़ की पहेलियाँ और फिर समझेंगे इकाई को और सबसे अंत में अंग्रेजी में सुनकर पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसनदास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेलकूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया
उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो ये था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मंझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी, तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त से उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी और फिर उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए देखिए, मेंढक पानी से कूदकर बाहर आ गया। बिटिया, यह तो कभी पानी में तो कभी जमीन पर आता ही रहता है, और कभी कभी तो यह घर में भी आ जाता है, फिर वापस पानी में चला जाता है। काका, ये हमेशा पानी में रहते रहते परेशान नहीं होता होगा? बिटिया, वही तो उसका घर है, फिर क्यों परेशान होगा? इसका मतलब जिस तरह हम लोगों का घर है,
जीव जंतु और पशु पक्षियों के भी अपने घर होते हैं। हाँ बिट्टू, सभी का अपना अपना घर होता है। अच्छा, क्या उनके घर भी हमारे जैसे होते हैं? नहीं बिटिया, मेंढक का घर पानी है, पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं, चूहे बिल में रहते हैं, ऐसे ही और जानवरों के भी अलग अलग घर होते हैं। अच्छा, पर मेंढक को भी तो लगता होगा कि हमारा घर भी पानी की जगह कहीं और होता। बिटिया, तुम्हें अपने घर की जगह किसी और घर में रहने के लिए भेज दें तो रह पाओगी? मैं ज्यादा दिन तो नहीं रह पाऊंगी। और बिट्टू, याद है तुम्हें मौसी के घर गई थी, कुछ ही दिन हुए कि बोलने लगी, अपने घर चलो काकी। हाँ काकी, मुझे अपना घर सबसे प्यारा लगता है। ठीक उसी तरह से सभी को अपना घर प्यारा लगता है, चाहे वह मेंढक हो या चूहा। बिल्कुल। पर काका, कभी कभी तो मेंढक का भी मन दूसरों के घर रहने का करता होगा। हाँ बिट्टू, पर अंत में मेंढक को तो अपना घर ही भाता होगा, बिल्कुल इस कहानी के मेंढक की तरह। अरे वाह, कहानी! क्या मेंढक और उसके घर से जुड़ी कहानी है? यह तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। फिर तो जल्दी सुनाइए। एक दिन मेंढक को ना जाने क्या सूझी, उसने लंबी छलांग लगाई और पानी से बाहर आ गया। वह चिल्लाया, पानी में रहना भी कोई रहना हुआ? हमेशा गीले रहो, अपने लिए नया बसेरा खोजता हूँ। वह एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में शेर था। मेंढक शेर से बोला, आपका बसेरा बढ़िया है। शेर इतराया, कहने लगा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। मेंढक गुफा में रहने लगा, लेकिन वह कुछ ही देर में उकता गया। शेर गुर्राता जो रहता था। मेंढक आगे बढ़ गया। वह एक बिल में जा पहुंचा। बिल में चूहा था। मेंढक चूहे से बोला, वाह वाह, आपका बसेरा तो बढ़िया है। चूहा इतराया, कहने लगा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। मेंढक रहने लगा, लेकिन वह कुछ ही देर में उतका गया। चूहा कुछ ना कुछ कुतरता रहता था, इधर उधर दौड़ता रहता था। ये क्या, सांप को अपनी ओर आता देख मेंढक बिल के दूसरी ओर से निकल आया। मेंढक हाँफता फुदकता हुआ आगे बढ़ गया। उसे एक गौरैया मिली। मेंढक बोला, वाह, आपका बसेरा तो बहुत बढ़िया है। गौरैया बोली, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। मेंढक बोला, ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी नहा कर आता हूँ। मेंढक नहा कर आया तो गौरैया का घोंसला भीग गया। गौरैया के बच्चे ची ची करने लगे। गौरैया दाना लाती तो भी ची ची करते। मेंढक को परेशानी होने लगी। गौरैया से विदा लेकर वह फिर से पानी में जा घुसा। मेंढक कहने लगा, अपना बसेरा सबसे अच्छा है। अब मेंढक बाहर कभी भी घूमने जरूर जाता है, लेकिन लौटकर जल में वापस आ जाता है। बिट्टू के काका, बहुत ही मजेदार कहानी थी। काका, मैं समझ गई। अरे वाह, पर क्या समझ गई? अपना घर ही सबसे प्यारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। बहुत खूब बिट्टू। बिट्टू, क्यों ना कहानी पर चर्चा शुरू की जाए? बिल्कुल काकी। अच्छी बात है, तो सबसे पहले बिट्टू के काका आप बताइए, मेंढक शेर की गुफा में कुछ ही देर में क्यों उकता गया था? क्योंकि शेर गुर्राता रहता था, जिससे मेंढक उकता गया। बहुत खूब काका। अब बताने की बारी है बिटिया की। मेंढक को चूहे का बिल क्यों पसंद नहीं आया था? क्योंकि चूहा इधर उधर दौड़ता रहता था और कुछ न कुछ कुतरता रहता था। ग्रेट बिट्टू,
काकी अब आप बताइए, सांप को अपनी ओर आता देख मेंढक ने क्या किया? सांप को अपनी ओर आता देख मेंढक बिल के दूसरी ओर से निकल आया था। बहुत बढ़िया। बच्चों आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, पानी से बाहर आने के बाद मेंढक क्यों चिल्लाया था? दूसरा प्रश्न है, गौरैया से विदा लेकर मेंढक कहाँ गया था? तीसरा प्रश्न है, अपना बसेरा सबसे अच्छा है ऐसा मेंढक ने क्यों कहा था? चौथा प्रश्न है, कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो पानी और जमीन पर रहते हैं। बिट्टू कहानी के बाद खेल खेलते हैं। खेल? हाँ 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 मजा आएगा। बिट्टू की काकी खेल कौन सा खेलने वाले हैं उसका नाम तो बता दो। बिट्टू के काका नाम में क्या रखा है, खेल खेलिए। ठीक है ठीक है, खेलने पर पता तो चल ही जाएगा। बिल्कुल श्रीमान। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है गोलमाल। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। इसमें हमें आगे पीछे करके सही जगह जमा के चित्र पूरा करना है। इसे लेके जाते हैं ऊपर। Well done. अरे वाह, ये तो इजी फॉर्म में सही बन गया। इसे लेके जाते हैं यहाँ, ये लाते हैं यहाँ। Well done. अरे वाह, ये इतना आसान नहीं जितना पहले दो थे। इसमें थोड़ी सी दिमाग की कसरत लगेगी। ये लेके जाते हैं यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये थोड़ा मुश्किल है पर इतना भी नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने पर चित्र पूरा कर ही देंगे। तो चलिए आप और मैं दोनों मिलकर चित्र पूरा करते हैं। अरे वाह, ये तो नीचे नजर आ रहा है कि कैसे बनाना है। तो हम लेके आते हैं इन्हें यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये कछुए का आधा सिर यहाँ। कांग्रेट बन गया। इसे करते हैं कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इतना ठीक है। ये लेके आते हैं ये वाला यहाँ, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये लाते हैं यहाँ, नहीं ये पैर हैं किसी के, इस बच्ची के। चलिए इसे लेके आते हैं हम ये, हम करते हैं यहाँ, ये यहाँ, ये लाते हैं यहाँ।
यहाँ कुछ अभी भी गड़बड़ है। इसे ऊपर लेके जाएं। हमारे कुल अंक हुए 60 और खेल हुआ समाप्त। भाई इस खेल को खेलने में हमें तो खूब मजा आया। थोड़ी दिमाग की कसरत जरूर हुई, पर क्या हुआ, हमने सभी चित्र सही सही जोड़े और उन्हें पूरा भी किया। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। तो बताइए आप दोनों को कैसा लगा खेल? मुझे तो इस खेल में बहुत मजा आया। जैसा नाम वैसा खेल। मतलब काकी, काका को खेल खेलने में खूब मजा आया, है ना काका? बिल्कुल बिटिया, चित्रों को जोड़कर पूरा करने में खूब मजा आया। जब खेल खेलने में आपको मजा आ ही गया तो क्यों ना एक और खेल हो जाए। वाह काकी, मतलब अब मुझे पिटारा खोलना पड़ेगा। हाँ जी, आप कहें तो पिटारे से खेल मैं निकाल दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी बात है, पिटारा मेरा पसंद तुम्हारी। तो खेलते हैं खेल, आओ शब्द ढूंढें। बहुत बढ़िया बिट्टू। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है शब्द खेल। चलिए खेलते हैं इस खेल को। गधा। गधा, हमें क्या ढूंढना है? गधा कहाँ लिखा है? गधा बच्चों, क्या कहा? पीले रंग की गाड़ी पर। बिल्कुल सही, और ये गाड़ी गई सबसे आगे। शादी। शादी, सापू, शादी लिखा है, शादी, शादी लिखा है, ये है पीले रंग की गाड़ी पर। काका। काका, काछ, काझा, काका। नैना। नैना, क्या कहा? पीले रंग की गाड़ी पर लिखा है नैना। बिल्कुल सही। बीका। बीका, बीबो, बीका, बीका, बीका लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर। खेल हुआ समाप्त, पर इस खेल को खेलने में मजा खूब आ रहा है, तो क्यों ना फिर से इस खेल को खेला जाए। खेलो। खेलो, खेलो, यह लिखा है खेलो पीले रंग की गाड़ी पर, और ये हमारी गाड़ी गई सबसे आगे। लूट। लूट, लूट, लूट लिखा है फिर से पीले रंग की गाड़ी पर। बीज। बीज, बीज, मुख। मुख, हौदा। भेदा, हौदा, हौदा लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर। खेल हो गया समाप्त, पर इस खेल को खेलने में मजा तो खूब आ रहा है, तो क्यों ना फिर से खेला जाए। धोबी। धोख, धोबी, यह लिखा है धोबी। गधा। गधा, कंधा, गधा लिखा है पीले रंग की गाड़ी पर। लेख। लेख, यह लिखा है लेख सबसे ऊपर नीले रंग की गाड़ी पर। मग। मग लिखा है सबसे ऊपर नीले रंग की गाड़ी पर। मग। लौकी। लौकी, अरे नहीं, ये तो मैंने बिना पढ़े ही दबा दिया, इसलिए ही तो मेरी गाड़ी पीछे से किसी ने आकर मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा,
खेल हो गया समाप्त। कंधा 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 लिखा है, कहाँ लिखा है बच्चों कंधा? बिल्कुल सही, कंधा लिखा है सबसे ऊपर नीले रंग की गाड़ी पर। कट 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 लिखा है, कट कट लिखा है नीले रंग की गाड़ी पर। कुली 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 लिखा है सबसे ऊपर नीले रंग की गाड़ी पर। दूजा दूजा ये तो दूजा सबसे ऊपर लिखा है नीले रंग की गाड़ी पर, दूजा। और ये गाड़ी गई सबसे आगे। पंख पंख खक लिखा है नीले रंग की गाड़ी पर, फख लिखा है, फख लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर, हमें पढ़ना है पंख, पंख लिखा है पीले रंग की गाड़ी पर। खेल हो गया समाप्त। भाई इस खेल को खेलने में खूब मजा आया, कैसे हमारे सही शब्द बताने पर हमारी गाड़ी सबसे आगे जा रही थी। आपका हमारे साथ खेलने और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पसंद के बारे में आपका क्या ख्याल है बिटिया? तुम्हें तो पता रहता है कौन सा खेल खेलना है। सच में बिटिया, बहुत ही मजेदार खेल था। धन्यवाद काका काकी। क्यों ना इन दो मजेदार खेल के बाद कुछ गाया जाए। हाँ काका, अब खेलते हैं अंताक्षरी। गाना गाने में मजा आएगा। गाना नहीं, गाते हैं एक कविता। भाग्यवान, गाना हो या कविता, गाए तो दोनों ही जाते हैं। हमें तो गाने से मतलब है, चाहे गाना हो या कविता। बिल्कुल ठीक, तो सुनते हैं और गाते हैं कविता। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, पानी में चलेगी छोटी सी नैया। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, आगे को चली रे पीछे को चली रे। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, पानी में चलेगी छोटी सी नैया। हैया ओ हैया, हैया ओ हैया, दाएं को चली रे बाएं को चली। हैया हो हैया, हैया हो हैया। अरे वाह, आप तो गुनगुनाने भी लगे। लगता है आपको कविता ज्यादा ही पसंद आ गई। इसमें भी कोई पूछने की बात है? काका को ही नहीं, मुझे भी कविता सुनने में बहुत मजा आया। आज रात में इस कविता को फिर से सुनाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीवी देख रहे मेरे दोस्तों, आप भी अपने घर के सदस्यों को कोई कविता हाव भाव के साथ सुनाइए और उनसे भी सुनिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो जिन जानवरों को हम पालते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। आज हम ऐसे ही एक पालतू जानवर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्या आप गैस करना चाहोगे यह जानवर कौन सा है? चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। इसे दूध पीना बहुत पसंद है और यह चूहे के पीछे भागती है। पहचानिए यह कौन है। सही कहा, इस जानवर का नाम है बिल्ली। बिल्ली को अंग्रेजी में कैट कहते हैं। आज की हमारी कविता भी बिल्ली पर है। चलिए देखते हैं आज की कविता, जिसका नाम है मेरी बिल्ली। मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी लोटे भर पानी से हो गई गीली, लोटे भर पानी से हो गई गीली। गीली होकर लगी कांपने, गीली होकर लगी कांपने, आछी आछी लगी छींकने, आछी आछी लगी छींकने। मैंने बोला कुछ तो सीख, मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल कभी न छीक, बिना रुमाल कभी न छीक। मजेदार थी ना आज की कविता।
एक बिल्ली की कविता जो काली पीली है, जो बाहर गई और बेचारी को जुखाम हो गया। चलिए आप भी इस कविता को याद रखिए और अपने घर वालों को सुनाइए। क्यों, कैसी लगी कहानी? मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया कहानी पर बातचीत करके और अक्षरों के खेल खेल के। तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक और चीज। अब हम सीखेंगे गणित। गणित से डरिए मत। ऐसा डर हमारे दिल में बैठा दिया गया है कि गणित बहुत मुश्किल होती है। इतनी मुश्किल नहीं होती। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए खेलते हैं गणित के खेल और सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं दो अंकों का जोड़। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है कि आरोही के पास 15 सेब हैं और राजू के पास 18 सेब हैं। बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने सेब हैं? तो आरोही के 15 और राजू के 18 मिलकर कितने होंगे बताना है। आइए हल करते हैं। ये हैं कुल 15 सेब और ये 18 हैं। चलो टेबल पर इकाई दहाई में इन्हें लिखते हैं। तो 15 में 5 है इकाई और ये 1 दहाई है, और 18 में 8 इकाई और 10 सेब है यानी 1 दहाई है। अगर हमने 5 और 8 को मिला लिया तो हमें 13 मिला, यानी 5 जोड़ 8 होता है 13, जिसमें 3 इकाई और ये 1 दहाई है। अब देखिए दोस्तों, दहाई पर हमारे पास 3 अंक है। इस तरह पहले तो 10 और 10 को जोड़ते हैं, यानी 1 और 1 2 दहाई, और 1 दहाई अलग से है तो 1 और 1 मिला के हो गए 2 दहाई, और इसमें जोड़ते हैं 1 दहाई और, तो कुल मिलाकर 3 दहाई, यानी दोनों के पास कुल मिलाकर 33 सेब है। सवाल अगला क्या है? सवाल है, मोना के पास 16 चॉकलेट है और गणेश के पास 17 चॉकलेट है। बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट है? चलिए हल करते हैं। तो भाई ये है कुल 16 चॉकलेट जो किसकी है, मोना की, और ये है 17 चॉकलेट और ये किसकी है, गणेश की। अब आओ इन्हें इकाई दहाई में जमाते हैं। तो कुल मिलाकर 6 इकाई पर है और 10 चॉकलेट इस तरफ दूसरी प्लेट पर है, यानी 1 दहाई है, और इसमें हमें जोड़ना है गणेश की चॉकलेट
और इसमें हमें 17 चॉकलेट गणेश की जोड़नी है, जिसमें 7 है एक गाय और 1 दहाई है। चलिए देखते हैं मिलकर कितनी है। तो देखिए इकाई पर 6 और 7 को अगर मिलाया तो हुआ 13। तो 6 जोड़ 7 बराबर 13 होता है, जिसमें 3 इकाई और 1 दहाई। और इस तरह दहाई पर कितने हैं? दहाई पर देखिए 2 प्लेट हैं, 10 और 10 20 और 1 हासिल वाली है, तो 1 और 1 हुआ 2, इसमें हमने जोड़ लिया 1 और दहाई, कुल मिलाकर 3 दहाई यानी 30। तो 30 और 3 हुआ 33, तो दोनों के पास कुल मिलाकर 33 चॉकलेट हैं। अगला सवाल हल करते हैं। सवाल है कि रोहित के पास 19 गेंदें हैं, ये रही, और ये किसकी है? अजय की गेंद है, अजय के पास कुल 12 हैं। तो कुल मिलाकर कितनी गेंदें मिली दोनों को? चलिए देखते हैं, ये है 19 रोहित की और ये 12 अजय की है। अब आओ इन्हें इकाई दहाई में जमाते हैं। तो भाई 19 में ये 9 गेंद अलग से हैं जो इकाई पर हैं, और 10 ये है यानी 1 दहाई, और अजय की देखो 12 है जिसमें 2 गेंद है ये यानी 2 इकाई और 1 दहाई अजय के पास है। अब दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए 9 और 2 मिलकर हो गया 11, 9 जोड़ 2 बराबर 11 होता है, जिसमें 1 इकाई और 1 दहाई है। और अब 10 और 10 इन्हें जोड़ते हैं तो 20, तो ये 1 दहाई जो हासिल पर है वो और 1 दहाई ये मिलकर 2 दहाई हुआ, और इसमें हमने जोड़ लिया 1 दहाई और, तो कुल मिलाकर मिली 3 दहाई यानी 30 दोस्तों। इस तरह 30 और 1 हुआ 31, तो कुल मिलाकर कितनी गेंदें मिली दोनों को? ठीक पहचाना, दोनों को मिली 31 गेंद। दोनों के पास कुल मिलाकर 31 गेंदें हैं। दोस्तों ये तो था जोड़ का सवाल। इसी तरह के सवाल हल करते रहिए, सीखते रहिए, हम फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। हेलो बच्चों, आइए जोड़ की पहेली हल कीजिए। ये रही हमारी पहेली, इसे ध्यान से देखिए और हल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। सबसे ऊपर देखिए 10 और 10 को जोड़ना है। 10 और 10 को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों? सही पहचाना, 10 और 10 20 होता है। अब किसे हल करें? चलो अब हम हल करते हैं इसको, ये वाले कॉलम को, बिल्कुल बीचों बीच है जो सबसे बायां कॉलम है। 10 और 15 ये जोड़ने पर कितने होंगे? तो जब 10 और 10 20 हुआ तो 5 और मिला दो, इस तरह कुल 25 हुए, है ना दोस्तों? दो बक्से तो हमारे भर गए, अभी भी हमारे पास काफी बक्से हैं जो हमें भरने हैं। तो चलो अब हल करते हैं इस पंक्ति को। 15 और 15 ये कितना होगा? दोस्तों 15 में 15 जोड़ना है। देखिए 10 और 10 20 और 5 और 5 10 होता है, इस तरह 20 और 10 30, मतलब 15 और 15 30 होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इस वाले कॉलम को। 15 और 35 यह कितना होगा जोड़ने पर? इकाई से शुरुआत करो, इकाई पर देखो 5 और 5 है, तो 5 और 5 ये मिलकर हो गए 10, 10 का शून्य और हासिल आया 1, और अब 3 और 1 4 और 1 5। सही समझा दोस्तों, 15 और 35 मिलकर होते हैं 50। तो हमने अपने 4 बक्से तो भर लिए, अब आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं
इस पंक्ति को। 25 में हमें कितना जोड़ना होगा कि 50 प्राप्त हो? क्या करेंगे? सोचिए दोस्तों, 25 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें 50 मिले? 25 का 2 गुना कितना होता है? ठीक पहचाना, 25 का 2 गुना ही 50 होता है, इसलिए 25 को 2 बार लिख देंगे। इस तरह 25 और 25 ये मिलकर हो जाएंगे 50। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ कॉलम को हल करते हैं। 40 और 30 ये जोड़ने पर कितने होंगे? तो 40 और 10 50 और 10 60 और 10 70, यानी 40 और 30 होते हैं 70। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ कॉलम को हल करते हैं। 30 में 7 जोड़ते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। 30 और 1 31, 30 और 2 32, 30 और 3 33, इसलिए 30 और 7 37 होगा। अच्छा दोस्तों, अब 37 में 8 जोड़ो और बताओ कि कितना होगा। तो 37 और 8 होते हैं 45। बिल्कुल ठीक पहचाना, 37 और 8 45 होंगे, क्योंकि 37 38 39 40, 30 जोड़ने पर 40 हुआ और 5 और जोड़ दिए तो कुल 45 हो गया। और अब हल करते हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति को। 42 में कितना जोड़ने पर 45 मिलता है? तो 42, 43, 44 और 45, हमने कितने जोड़े? हमने जोड़े 3। तो 42 और 3 45 हुआ। और अब बचा है हमारा अंतिम है पंक्ति। 40 और 8 कितने होंगे? तो 40 एक 41 होता है, 40 दो 42 होता है, इसी तरह 40 3 43, तो 40 और 8 होगा 48। बिल्कुल ठीक दोस्तों, हो गई हमारी अंक पहेली हल। एक बार अच्छे से अंक पहेली को मिला लीजिए और फिर इसे अच्छे से देखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे खेल का नाम है सही इकाई, और ये खेल आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। कैसे? आप दुकान में सामान खरीदने तो जाते हैं ना? वो सामान की सही इकाई क्या होती है, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो आज हम इस खेल की मदद से सीखेंगे कि कौन से सामान को कौन सी इकाई से मापा जाता है। तो क्या आप खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए जल्दी से हम अपना खेल शुरू करते हैं। आप क्या खरीदना चाहते हैं? रस्सी। कितनी? 4। क्या? तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक दुकानदार महिला है और दूसरी महिला आई है सामान खरीदने। दुकानदार महिला ने जब पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो महिला ने बोला कि उसे खरीदनी है रस्सी, लेकिन वो कह रही है 4। अब रस्सी और 4, इसका क्या संबंध हुआ? उसे रस्सी तो चाहिए, पर 4 के आगे कौन सी इकाई लगानी है ये समझ नहीं आ रहा। क्या आप उसकी मदद करेंगे? चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी इकाइयाँ दी हैं और रस्सी को कौन सी इकाई से मापा जाता है। तो यहाँ पर है मीटर, ग्राम, लीटर और किलोग्राम। तो रस्सी की लंबाई मापने के लिए कौन सी इकाई सही रहेगी? जी, रस्सी को मापा जाता है मीटर में। तो यानी कि जो महिला सामान खरीदने आई है उसे चाहिए 4 मीटर लंबी रस्सी। 4 मीटर, राइट आंसर। आप क्या खरीदना चाहते हैं? चावल। कितना? 4। 12। क्या? अब फिर से वही सवाल कि महिला को खरीदने हैं चावल और वो भी 12,
लेकिन 12 क्या? मिलीलीटर, लीटर, मीटर या किलोग्राम? तो क्या आप जानते हैं कि चावल को कौन सी इकाई से मापा जाता है? बिल्कुल सही, चावल मापे जाते हैं किलोग्राम में। आप जब दुकान से सामान लेने जाते हैं तो यही बोलते हैं ना कि हमें इतने किलोग्राम चावल दे दीजिए। तो इस महिला को चाहिए 12 किलोग्राम चावल। 12 किलोग्राम राइट आंसर। आप क्या खरीदना चाहते हैं? दूध। कितना दूध? 5। क्या क्या आप इस महिला की दूध की इकाई पहचानने में मदद कर सकते हैं? बताइए कि दूध को कौन सी इकाई में मापा जाता है, मीटर में, किलोग्राम में, ग्राम में या लीटर में? बिल्कुल सही, दूध मापा जाता है लीटर में। तो इसका मतलब महिला को चाहिए 5 लीटर दूध। 5 लीटर राइट आंसर। आप क्या खरीदना चाहते हैं? लौंग। कितनी? 200। क्या अगला सामान जो महिला को चाहिए वो है लौंग। लेकिन फिर से वही सवाल कि लौंग 200। तो 200 यानी कि क्या? 200 मिलीलीटर, 200 लीटर, 200 मीटर या 200 ग्राम? कौन सा सही उत्तर होगा? जी हाँ दोस्तों, लौंग मापे जाते हैं ग्राम में। यानी कि महिला को चाहिए 200 ग्राम लौंग। 200 ग्राम राइट आंसर। आप क्या खरीदना चाहते हैं? दवा की बोतल। कितनी दवा की बोतल? 10। क्या अब महिला को चाहिए दवाई की बोतल? तो क्या आपने दवाई की बोतलें देखी हैं? उन पर क्या लिखा रहता है? कौन सी इकाई में दवा की बोतल मापी जाती है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है? सोचिए, लीटर, मिलीलीटर, मीटर या किलोग्राम? महिला को 10 लीटर दवा चाहिए, 10 मिलीलीटर, 10 मीटर या 10 किलोग्राम? जी हाँ, दवा की बोतल होगी 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर राइट आंसर। दोस्तों, आपको आज का खेल कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के खेल से आपको वस्तुओं की सही इकाई का पता चला होगा। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अभ्यास के लिए सवाल है आपको। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपके घर में सबसे ज्यादा पानी किस बर्तन में आता है और कितना पानी है यह माप कर देखो। क्या बाल्टी में ज्यादा पानी आता है या घड़े में? अगला सवाल है, आपके घर के दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? नाप कर देखो। अगला सवाल है, आप हर दिन कितने लीटर पानी पीते हो? बताओ। अगला सवाल कि आपकी नोटबुक की चौड़ाई ज्यादा है या किताब की? नाप कर बताइए, नोटबुक की चौड़ाई ज्यादा है या फिर किताब की? अगला सवाल, आपके घर में टंगी किसी भी तस्वीर की लंबाई और चौड़ाई दोनों को मापें और माँ द्वारा दिए गए स्कूल टिफिन के वजन को मापें। और आखिरी, आपके घर में किन किन वस्तुओं का वजन 1 किलो है? बताइएगा जरूर।
फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। रात में आसमान में सितारे क्या खूब चमकते हैं, है ना दोस्तों? क्या आपने देखे हैं? अगर नहीं तो जरूर देखना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारी आज की राइम भी सितारों के बारे में है। हमारी राइम का नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। राइम की धुन तो बहुत अच्छी थी और हंसता हुआ स्टार तो और अच्छा था। दोस्तों क्या आपको राइम अच्छी लगी? क्या कहा था मैंने, गणित में भी मजा आया ना। मैं तो बोलती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता, अगर दोनों को मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूं बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।